स्वामी जी, लंग्स कैपेसिटी घटने की वजह से अक्सर लोग लो एनर्जी का शिकार हो जाते हैं, फिर उन्हें आने लगता है चक्कर और महसूस करते हैं सुस्ती। तो फिर वो क्या करें, सुस्ती कैसे भगाएं, लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं और चक्कर की समस्या का समाधान? भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम से चक्कर नहीं आएंगे, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनोग्रिड। और बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं, लड़खड़ाने में लगे तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड खाली पेट मैदा मेमोरी ओमेगा खाने के बाद ले लें। ये पॉइंट दबाना ही है, ये गले के लिए जबरदस्त है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में एक्यूप्रेशर। और चक्कर ना आए इसलिए अंगूठा और ये रिंग फिंगर, वैसे इससे साइनस भी अच्छा हो जाता है। जिनके नाक बंद रहते हैं ना, 5 बादाम 5 काली मिर्च लेके मुँह में धीरे धीरे चबा लो और थोड़ा तेज चलो या दौड़ लो, नाक एकदम खुल जाते हैं। नहीं तो वो अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक ड्रॉप डालते रहते हैं। वैसे सबसे अच्छा है अणु तेल का नस्य, षडबिंदु तेल का नस्य, नहीं तो अपना सरसों का तेल ही ठोको। और जिनको ज़्यादा ही और पुराना नज़ला है ना, तो फिर ज्योतिषमती और अणु तेल। मैंने तो ओहो, एक एक बार में 250-250 ग्राम आधा आधा किलो कप निकलता देखा, आधा किलो। पहले हम रीठे वाला करवाते थे, फिर वो ज़्यादा ही अंदर से झकझोर देता था, तब ज्योतिषमती वाला कराना शुरू कर दिया। ये प्रयोग हम 30-35 वर्षों से सब कर रहे हैं। स्वामी जी, अब योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद आयुर्वेदिक उपाय के बाद किसी को ये बारी एक पौधा सेहत के नाम की। स्वामी जी, आज कौन से पौधे की बारी है? आज बारी है ये हल्दी की गांठ ही लगा दे। हल्दी की गांठ ना बाजार में मिलती है, हल्दी और अदरक, ये ऐसे आप लगा देते हो ना, ऐसे ही लगा देना और इस पर थोड़ी मिट्टी ढक देना। अपने आप ही फिर जब आप इसको मिट्टी से पूरा ढक देंगे तो थोड़े दिनों में इसी के अंदर से थोड़ा थोड़ा इसको बस नमी बरकरार रहे, अपने आप ऐसा ही पौधा निकल आएगा। जैसा ये पौधा है ना, ऐसा ऐसा पौधा अपने आप ही निकल आएगा। और जब फिर ये और फिर इसमें से अपने आप कई बच्चे कच्चे पैदा हो जाते हैं। इस पर फैमिली प्लानिंग लागू नहीं होता है। हल्दी, अदरक, एलोवेरा, इसके चारों तरफ अपने आप ही फिर दूसरे पौधे निकल आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और कैंसर के लिए परम औषधि है। जो 1 ग्राम रोज हल्दी खा लेगा जिंदगी में कभी कैंसर और टीबी जैसा रोग नहीं हो सकता। ये स्वामी जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारी योग पंचायत है और ये फैमिली जो है बढ़ती चली जा रही है। तो अब बारी योग पंचायत की है।